नमस्कार, ममता किचन में आपका स्वागत है। आज हम शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने दो शिमला मिर्च धो के इस तरह टुकड़ों में काट लिए और दो आलू हैं इसको भी हमने टुकड़ों में काट लिया है। कढ़ाई में हमने दो चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा भून गया है तो प्याज डाल देंगे। ये दो प्याज है। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसी में लहसुन डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो गई है तो इसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। आलू फ्राई हो गए हैं तो इसी में हम शिमला मिर्च डाल देंगे। मिला देंगे आधा चम्मच होगी। आधी चम्मच नमक, मिर्च डाली थी आधी चम्मच, धोखे से नमक निकल गया था तो आधी चम्मच मैंने मिर्च डाली है और दो चम्मच धनिया पाउडर। नमक स्वाद अनुसार सारी चीजों को डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसमें टमाटर मिक्स कर देंगे। मसाले मिक्स करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी को एक बार चेक कर लें। टमाटर शिमला मिर्च सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इन चीज़ों को और गैस बंद कर देंगे। ऊपर से थोड़ा धनिया डाल देंगे। शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।